नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं आरती देशवाल और खबरें अभी तक की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वो दिन है जिसकी तैयारियां कई कई दिन पहले से ही महिलाएं करने लग जाती हैं। बाजार भर जाते हैं महिलाओं से, लेकिन आज के दिन विधि विधान से व्रत कैसे किया जाए, कथा करने का सही समय क्या होगा और परंपराएं क्या कहती है, पहले इसके बारे में आपको बता देते हैं। सुहाग की लंबी उम्र और कुशलता के लिए रखा जाने वाला व्रत है करवा चौथ। अपने पति के लिए खास तरीके से तैयार होना, सजना सवरना हर सुहागन की अभिलाषा होती है। इसी इच्छा पूर्ति के लिए महिलाओं ने जोर शोर से तैयारियां पूरी की। तो वहीं त्योहार को लेकर बाजार भी कई दिनों से गुलजार नजर आ रही है। कई दिनों से सुबह से लेकर शाम तक बाजारों में खूब रौनक नजर आ रही है और आज भी करवा चौथ के दिन बाजारों में खूब रौनकें दिख रही है। बाजारों में महिलाओं का खास जमावड़ा नजर आ रहा है। महिलाएं मेहंदी लगवाने आई हैं, खासकर कपड़े और श्रृंगार के सामान की दुकानों पर महिलाओं की खूब भीड़ नजर आ रही है। पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाने वाला करवा चौथ का ये व्रत महिलाओं को खासा उत्साहित करता है और इसका क्रेज खरीदारी करती महिलाओं में खूब नजर आता है। करवा चौथ का त्योहार महिलाओं की पहली पसंद होता है। इस त्योहार पर महिलाएं सजने और सवरने को लेकर कोई कमी नहीं छोड़ती। पूजा पाठ से लेकर खूबसूरत तरीके से तैयार होने तक महिलाएं इस त्योहार को खूब प्राथमिकताएं देती हैं। महिलाएं बाजार से करवा चौथ के व्रत में इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें खरीदती हैं, जैसे नारियल, करवा और खास कर नए नए कपड़े भी। एक बहुत बड़ा त्यौहार है महिलाओं के लिए, जिन इनको निर्जला व्रत रखना पड़ेगा, तो उसके लिए हम एक प्रिपरेशन करा दें जिसमें हमने उन्हें मेहंदी पूरा सोलह श्रृंगार उन्हें हम यहाँ पे करवा रहे हैं। करवा चौथ की तैयारी तो हर बार ही चलती है अच्छे से, हर साल बढ़ती जाती है और अच्छे से बनाते हैं हर बार और तैयारियाँ करते हैं। तो व्रत की तैयारी अगर पूरी हो ही चुकी है तो बात कर लेते हैं व्रत को लेकर किए जाने वाले विधि विधान की। ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ के व्रत में नियमों का खास ख्याल रखना होता है। सुबह नित्य क्रम से निपटने के बाद इस व्रत का संकल्प लेना बेहद जरूरी है। वही व्रत के दिन निर्जला रहकर यानी कि जलपान ना कर व्रत किया जाता है। सुबह की पूजा को बहुत जरूरी माना गया है। व्रत में दान का विशेष महत्व है। सुहाग की सामग्री दान देने की परंपरा रही है, तो वही माता पार्वती की आराधना करना बेहद जरूरी है। सबसे बड़ी बात इस व्रत में है व्रत की कथा। मान्यता है कि व्रत की कथा सुनने से पुण्य मिलता है। तो वहीं चंद्रमा के दर्शन करने के बाद भोजन ग्रहण किया जाता है और पति सास ससुर का आशीर्वाद लेकर व्रत का समापन होता है। बीते दो साल से कोरोना की मार झेल रहे दुकानदारों और लोगों को इस बार त्योहार का काफी उत्साह रहा। त्योहारी सीजन चल रहा है और करवा चौथ का त्योहार है। लंबे समय बाद करवा चौथ को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। तो ये तो हमने आपको बताया कि व्रत कैसे किया जाए, लेकिन हर व्रत की कुछ खास परंपराएं होती हैं, कुछ विधि विधान होता है जिसकी जानकारी बेहद जरूरी है, जिसमें चूक कतई नहीं होनी चाहिए। और ये तमाम जानकारियां आपको देंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंडित सुभाष, जो कि तमाम जानकारी देने वाले हैं दर्शकों को। सुभाष जी, स्वागत है आपका। आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। करवा चौथ का दिवस बड़ी धूमधाम से मेरी माताएँ बहनें मनाती हैं। ये करवा चौथ का व्रत कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। आज करवा चौथ का दिन है, रविवार है, रोहिणी नक्षत्र है और सुबह से ही मंदिरों में भगवान की पूजा आराधना अर्चना के लिए, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी माताएं पूजा आराधना अर्चना करती हैं। इस दिन के लिए बहनें माताएं बेसब्री से इंतज़ार करती हैं कि जी घड़ी जी बेला शुभ घड़ी कब आएगी। और इस दिन सुबह उठने से पहले माताएं बहनें 2.5 घंटे कम से कम भी सूर्योदय से पहले कुछ फलाहार ले लेती हैं, कुछ अन्न भी ले लेती हैं, ताकि सारा का सारा दिन जो है वो फलाहार भी नहीं लेती, सारा दिन उसके सूर्योदय के बाद सायं तक वो भूख से रहती हैं, भूखी रहती हैं, पानी का जल का भी ग्रहण नहीं करती। इसका विधि विधान ये है कि सारा दिन निराहार रह करके
ना अन्न खाएंगी ना जल ग्रहण करेंगी। दोपहर के बाद जब कोई कथा करते हैं मंदिर में, जब चार औरतें जब घर में कोई बड़ा बुजुर्ग चार महिलाएं इकट्ठा कर होकर के जो कथा कीर्तन करती हैं, श्रवण करती हैं, और उस वक्त तक से लेकर के रात तक चंद्रमा उदय का भगवान रजनीश की पूजा आराधना अर्चना करते हैं। रजनीश बोलते हैं चंद्रमा को, उसे देख करके अर्घ दे करके फिर ही वो अन्न ग्रहण करती हैं। जी, तो ये तमाम जानकारी है व्रत की विधि को लेकर। पंडित जी देखिए, ये तो बात हो गई कि कैसे सुबह जल्दी उठकर इसकी तैयारी करनी है, लेकिन व्रत को लेकर कथा की भी कई ऐसी मान्यताएं हैं जो अलग अलग राज्यों में अलग हैं। कथा करने का सही तरीका क्या होना चाहिए, सही समय क्या है? सायंकाल 3 बजे के बाद जब मर्जी कथा करें जा करके, परिवार के साथ, अपने सखी सहेलियों के साथ, बड़ों के बीच बैठ करके कथा का प्रचलित है। ये कथा भगवान शंकर ने पार्वती को सुनाई थी, पार्वती से सुन करके भगवान ने इसका ही द्रौपदी को ये कथा बाद में जो सुनाई भगवान कृष्ण ने। आज रोहिणी नक्षत्र है, भगवान का जन्म भी रोहिणी नक्षत्र में ही हुआ था। बलराम जी की माता का नाम भी रोहिणी है, इसलिए अति प्रिय हो जाता है और अच्छा हो जाता है। सिंह तुला राशि का सूरज होने के कारण रविवार पड़ने से जा करके जे लाल वस्त्र धारण करके, जिसे चुन्नी जैसे हम कहते हैं गोटा लगी हो सजी हो, उसे टहन करके सूर्य को चंद्रमा को अर्घ दें और उसकी पूजा आराधना अर्चना करें। सायंकाल कथा वो श्रवण करें। कथा अलग अलग प्रचलित है जा करके कि एक बार भगवान शंकर जी से भी प्रश्न किया माता पार्वती ने, वही कथा जो है भगवान कृष्ण जो हैं उन्हें सुनाते हैं कि एक बार द्रौपदी जो भी बड़ी खिनमिन हो गई, कहने लगी कि अर्जुन ने बड़ी कड़ी तपस्या के लिए नीलगिरी पर्वत के ऊपर तप के लिए चले जाते हैं, खिनबन होगी, चंचित होगी, परेशान होगी, उदास होगी कि ना जाने शत्रु कितने हैं, अनेक हैं जा करके। वो भगवान के चरणों में जाती है, आराधना करती है, प्रार्थना करती है। भगवान कृष्ण उसे कहते हैं सुनो कि यही कथा मैं तुझे सुनाता हूँ जो भगवान शंकर ने प्रश्न जो शंकर जी ने माँ पार्वती जगदम्बाष्ट भवानी को सुनाई थी। उसने उन्होंने कहा कि एक इंद्रप्रस्थ नगर में यानी कि दिल्ली में एक वेद शर्मा ब्राह्मण थे, बहुत विद्वान ब्राह्मण थे, उनके 7 पुत्र थे और एक पुत्री थी वीरवती नाम की। जाकर के वीरवती ने अपने भाभियों के साथ उस व्रत को किया और भाइयों के साथ, भाइयों की लाडली प्यारी और दुलारी वो बहन जो शाम को व्याकुल होगी, परेशान होगी, और सायंकाल हुआ चंद्रमा के उदय होने का इंतजार कर रही थी, मूर्छित हो जाती है। भाई आते हैं, ढांढस बंधाते हैं और वो खड़ी होती है। बहन का दुख ना सहन करके भाई एक लुकारी लेकर के ऊंचे वट वृक्ष पर चढ़ जाता है और चंद्रमा का झूठा बहाना बनाता है कि बहन उठो, चंद्रमा उदय हो गया है और तुम जा करके अर्घ दे दो। जाकर उसका वो उसे मान लेती है और चंद्रमा को अर्घ देती है, और अर्घ के साथ कारण है कि वो झूठा अर्घ था और झूठा चंद्रमा उदय का था, उसका अर्थात व्रत जो है वो खंडित हो जाता है। वो घर पर आती है, उसका पति जो है वो अचेत अवस्था में होता है। बड़ा समय बीत जाता है, वो बड़ी अपील दलील भगवान से करती है, प्रार्थना आराधना करती है, लेकिन नहीं। कुछ समय के बाद इंद्राणी धरती पर आती है, इंद्राणी उसके पास वो जाती है जा करके, वीरवती जो 7 भाइयों की लाडली प्यारी दुलारी है वो उनके पास जाती है कि हे जगदम्बा, तो मेरे भाग्य से जहाँ आई है, मेरा पति काफ़ी समय से अचेत है। वो कहती है कि वीरवती, ये तेरे कारण ही हुआ, क्योंकि तूने जो पहले जो व्रत रखा था वो खंडित हो गया था, अर्थात दूषित हो गया था, उसके लिए कि तुमने झूठा ही एक चंद्रमा को अर्घ दे दिया था। वो फिर उसी व्रत की इंतजार करती है, अगले वर्ष वो व्रत रखती है और पूरे का वो पूरा जा करके जो उसके नित्य नियम होते हैं उसके व्रत रखती है, आराधना करती है, गणपति जी की प्रार्थना करती है, माँ पार्वती की आराधना प्रार्थना करती है, फिर उसी की तरह उसका जो पति है वो ठीक हो जाता है। और इसी तरह कहा यही कथा जो है भगवान कृष्ण जो है उन्हें सुना रहे हैं कि हे द्रौपदी, ये कथा सुनी और फिर जा करके जो पांडवों को था अतुल्य राज्य प्राप्त हुआ, उनकी जीत प्राप्त हुई जे व्रत करके, जे तप करके। जी, तो व्रत का इतना महत्व है कि पत्नियां अपने पति की लंबी आयु के लिए भी इस व्रत को करती हैं, और साथ ही साथ ये व्रत इसलिए भी किया जाता है कि उनके पति के जो भी काम काज हैं वो बने, उनमें कोई विघ्न ना पड़े। तो पंडित जी, दर्शकों को ये भी बताइए कि व्रत करने के दौरान कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका खास ख्याल रखना होगा, इसके अलावा व्रत को खोलना कैसे है, व्रत की पूर्ण विधि क्या होगी? मेरी बहनें, सायंकाल
एक वहाँ सर्कल में इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे बैठ जाते हैं, फिर एक थाली बटाते हैं एक दूसरे से, वो जहाँ पानी का लोटा थाली मेवा आदि रखा है उसका आदान प्रदान करते हैं। उसमें एक छोटा सा भजन रूपी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अट्टे ना अटेरी ना कुंभ रखड़ा फेरी ना बाण पैरी पाई ना सुतड़ा जगामी ना रुठड़ा मनामी, इस तरीके से वो सुनाते हैं जिन्हें अट्टे ना अटेरी ना व्रत के समय में किसी प्रकार की सब्जी भाजी नहीं काटनी है, खास करके सुई नहीं चलानी है, इस तरीके का जब परहेज रखें। सायंकाल में जब आपने कथा श्रवण करनी है तो हाथ में चावल लेकर पुष्प लेकर के भगवान के आगे चंद्रमा के आराधना अर्चना करते हुए गणपति जी का ध्यान करते हुए जल में जो संकल्प करें प्रतिज्ञा करें, हे भगवान हे प्रभु हे दीनदयाल हे नंद कंद सच्चिदानंद, मैं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए तेरे लिए मैं जो अर्घ देती हूँ वो जल उसी लोटे में छोड़ दिए। सायंकाल होता है चंद्रमा की फिर पूजा आराधना करिए, जैसे सायंकाल हमने गणपति कार्तिक महाराज जी की, गणेश जी की, खड़ानंद जी की, पार्वती की पूजा की, उसके बाद जब सायंकाल आता है चंद्रमा, कई कई बार चंद्रमा लेट हो जाता है, जैसे इस बार समय है चंद्रमोदय का 8:07 के लगभग है, हो सकता है कि बादलों के कारण 5-10-15 मिनट आगे हो जाएगा, 10-15-20 पर भी हो सकता है उदय, तो उसका इंतजार करना है और उस पर फिर जा करके हरि दुर्गा लोटे में रख करके जो आपने दोपहर का लोटा रखा या सायं को लोटा रखा है वह उसी लोटे के माध्यम से चंद्रमा की पूजा आराधना अर्चना करें, उसे जल का छिट्टा दें और थोड़ा सा चंदन हो चावल हो जो आपने रखे हैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें और उसे बैठ करके खड़े होकर के वहाँ छत हो कहीं हो जहाँ से आपको चंद्रमा नजर आता है वहाँ उसे अर्घ दें और फिर परिक्रमा करके जो जल गिरा है उसे अपनी आँखों में लाएं, फिर बड़ों का आशीर्वाद लें। घर आकर के सबसे पहले जो भोजन करना है आपने वो बड़ों को देना है और उनके बड़ों के हाथ से कोई मीठी चीज़ आपने पान करनी है, ग्रहण करनी है। जी, तो ये है व्रत की संपूर्ण विधि, और व्रत की विधि के साथ साथ कई ऐसी बातें हैं पंडित जी जिनको लेकर के लोगों में भ्रम रहता है। जैसा कि कहा जाता है कि व्रत के दिन में सोना नहीं है, या फिर घर के बहुत से कामकाज हैं जो महिलाओं को नहीं करने, लेकिन आजकल एकल परिवार हैं, छोटे छोटे परिवार हैं, महिलाओं पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, तो आज के इस दौर में व्रत में कितना परिवर्तन आया है? ऐसा नहीं है कि नहीं ये कार्य नहीं करना, घर के काम करने पड़ते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, कई जगह कई रोगी होते हैं उन्हें भी काम करना पड़ता है, अपनी सेहत को देख करके व्रत रखें। गर्भवती महिलाएं हैं नहीं रख सकते हैं तो नहीं, लेकिन आराधना अर्चना जरूर करें भगवान की, बुजुर्ग है कोई दवाई खाता है तो आराधना अर्चना करें, भगवान का ध्यान करें, जप करें, तप करें और गणपति जी को प्रार्थना करें, आराधना करें जा करके। ऐसा नहीं कि सोना नहीं है दिन में, जय जयकार नहीं करना है, केवल और केवल प्रार्थना जरूर करनी है भगवान के आगे कि हे दीनदयाल हे नंद कंद सच्चिदानंद, मैं अपने पति की दीर्घायु के लिए, मैं आपकी वृक्ष की वृद्धि के लिए, अपने कारोबार की वृद्धि और सिद्धि रिद्धि के लिए मैं व्रत करती हूँ जा करके। और ध्यान रखें लाल कपड़ा हो पहना हुआ हो तो बहुत अच्छा है, जाकर लाल चुनरी पहनी हुई हो, लाल चूड़ियाँ इनका बहुत मुद्दा है, 16 श्रृंगार से सजा हुआ होना चाहिए उस बच्ची को, उस बहन को, उस माता को, और फिर भगवान के मंदिर में जाकर के माँ पार्वती जी को चूड़ियां सिंदूर बिंदी जरूर दान करें जाकर। जी, तो हर एक व्रत का अपना एक महत्व होता है और हर व्रत में दान का विशेष महत्व होता है। ऐसे में करवा चौथ को लेकर कहा यह जाता है कि 16 श्रृंगार का अगर दान किया जाएगा तो पति की दीर्घायु होगी और जो जीवन है उसमें भी प्रेम हमेशा भरा रहेगा। आप इसके बारे में बताइए कि दान की विधि क्या हो और दान में कौन कौन सी वस्तुएं दी जा सकती है। कुंवारी कन्या है यदि विवाह के लिए अखंड सौभाग्य की प्राप्ति का कोई मंगलिक है, मंगल की मंगलिक है, कोई ऐसा अड़चन आ जाती है कि बार बार शादी की बात करते हैं लेकिन बात नहीं बन पाती है जा करके, तो माता के मंदिर में 5 गरी के खोपे जाकर और साथ में चीनी उनमें भर करके माता पार्वती को चढ़ाएं और ये प्रार्थना करें कि हे गौरी शंकर धांगी यथा तुम शंकर प्रिया तथा माम गुरु कल्याणी कांत कांता सुधलाम जा कात्यानी महामाय महायोगी धीश्वरी नंद गोसुते पति बेकुरते प्रेमेनवा, हे माँ जगदम्बा मैं तेरी शरण में आई हूँ, जब जब भी तेरा अवतार हुआ तू हमेशा भगवान शंकर की दांगनी बनी, इसी तरह तेने मुझे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति करवानी है। जो सुहागवती हैं, जो शादीशुदा हैं जाकर वो लाल वस्तु या लाल चूड़ियाँ लाल बिंदी आदि इत्यादि दान जरूर करें और बड़ों को जो घर में बड़े बैठे हैं जाकर सास है ससुर है उनको किसी न किसी प्रकार का उपहार जरूर दें, उनका आशीर्वाद लें। और कई कई प्रथाएं हैं अपने अपने परिवारों की, अगर उनका हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं बड़ों का तो हमें वो आशीर्वाद देते हैं, किसी उपहार के रूप में भी उपहार देते हैं जाकर। सबसे पहले खाना बना करके अपने बुजुर्गों को दे जाकर उनका आशीर्वाद ले जाकर। जी, तो ये तो रहा कि किस तरह से आप दान कर सकते हैं और किस तरह से आपको भोजन से पहले परंपराओं का निर्वहन बेहद जरूरी है, लेकिन अब हम बात करते हैं उद्यापन की। कहा जाता है कि कोई भी व्रत तभी पूर्ण होता है जब आप जीवन में एक बार उसका उद्यापन कर देते हैं। अगर किसी को करवा चौथ का उद्यापन करना है तो उसकी विधि क्या होगी?
जिन कन्याओं की शादी हुई है, पहला साल है, तीसरा है, पांचवा है, सातवा है, इस तरीके से और जीवन का ध्यान रखते हुए करना है। गर्भवती महिला उस उद्यापन को नहीं करेगी। भगवान के मंदिर में जाकर के पूजा आराधना अर्चना करने के बाद घर पर पंडित जी को बुला करके जो व्यवस्था करी है परिवार ने उसका उद्यापन करते हैं। उद्यापन में जो जो वस्तुएं रखी जाती हैं, जैसा जैसा परिवार ने मायके ने जो दिया है सामान उसको रखें, और कोई बड़ा बर्तन जरूर दें, वो जो अन्न से भरा हुआ हो, जैसे चावल हैं, गेहूँ है, गुड़ है आदि इत्यादि दें। 11 गिलास हों, 11 सुहागियाँ हों, 11 के परम एकादश, जैसे एकादश रुद्र है उसका प्रतीक है कि 11 गिलास 11 सुहागियाँ जे भगवान को अर्पित करें और वो संकल्प कराएं विधि विधान के साथ, और वहाँ गणेश जी की, खड़ानंद जी की, नवग्रह की आदि उनकी पूजा आराधना अर्चना जरूर करें जी। तो ये तो बात रही कि आप अपना उद्यापन कैसे कर सकती हैं। अब बात करते हैं घर में मौजूद बुजुर्गों की। कहा यह जाता है कि करवा चौथ के मौके पर आप अपने बुजुर्गों को उपहार दें और वो आपको आशीर्वाद देंगे। खास कर सासू माँ के लिए कहा जाता है कि आप अपनी सास को उपहार दें और वो अखंड सौभाग्यवती का अपनी बहू को आशीर्वाद देंगी। ऐसे में सास को कौन से उपहार दिए जा सकते हैं और सास को इस मौके पर उपहार देने की परंपरा कहाँ से शुरू हुई? जी, आदि अनादि काल से परंपरा चली आई है आशीर्वाद की और उनका मान और सम्मान करके। तो उनको को उपहार देना, उनको कपड़ा दीजिए, कोई गहना देना चाहता तो गहना दीजिए। ससुर घर में बुजुर्ग हैं, उनको कपड़ा देना चाहते हैं, वो अपनी हिम्मत के अनुसार जो देना चाहें वो स्वीकार करेंगे, क्योंकि बुजुर्ग हैं घर से, उनको भाव और प्यार और श्रद्धा ही उनको है कि भाव से दें, प्यार से दें और वो स्वीकार करेंगे उसे। तो जी, तो पूरे प्यार से, स्नेह से आपको अपने परिवार में अच्छा माहौल बना के रखना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और कहा यह भी जाता है कि उपहार की कीमत नहीं देखी जाती। तो चलिए, ये तमाम बातें हो गई हैं व्रत से जुड़ी हुई। अब व्रत को लेकर कई तरह की भ्रांतियाँ भी हैं। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि ये जो व्रत है ये गर्भवती महिलाओं को करना ही चाहिए, लेकिन वो महिलाएँ जो गर्भवती हैं या वो महिलाएँ जो बीमार हैं, वो इस व्रत को अगर करती हैं तो इसमें क्या अलग कर सकती हैं? देखिए, जो 2-4 घंटे सुबह उठने के बाद अगर जब कुछ भूखी रह सकते हैं, क्योंकि अगर जब सुबह उन्होंने कुछ अन्न ले लिया है सूर्योदय से पहले जा करके, 4 घंटे या 6 घंटे रख लेती हैं तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि गर्भवती महिला है, बच्ची है, वो छोटी आयु की है, जाकर पैर फिसल जाए या कुछ प्रकार का हो जाए या कोई दवाई लेती है, तो उसके लिए हम ये सजेस्ट करेंगे, उसे सुझाव देंगे कि वो बच्चा है, नादान है, उसे भगवान उसे क्षमा करें और भगवान का बंधन वैसे दूर से कर दें जा करके, तो भगवान उसे स्वीकार करेंगे। लेकिन विधि विधान सायंकाल की वो वैसे ही करें जैसे औरतें कर रही हैं, कि चंद्रमा को अर्घ देना है, बड़ों का आशीर्वाद लेना है, भजन बंदगी करनी है, थाली बटानी है, आदान प्रदान करना है, या किसी को खाना दान करना है, तो वो अवश्य करे, इस कार्य को जरूर करे। जहां तक वो कर सकती है वो रखे, नहीं कर सकती तो जरूरी नहीं है जी। तो ये है कि अगर कोई महिला गर्भवती है या कोई बीमार है तो वो भी इस व्रत को कर सकती हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा दिन व्रत करें। आप कथा करने तक भी व्रत कर सकती हैं, उसके बाद आप व्रत खोल सकती हैं, लेकिन पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। ऐसे में पंडित जी, वो महिलाएं जो व्रत नहीं कर सकती लेकिन वो पूजा अर्चना कर सकती हैं, ऐसे में उनकी पूजा अर्चना कैसी हो और उनका दान कैसा हो? बिल्कुल वैसा ही हो जैसा औरतों ने किया है। वो केवल व्रत नहीं रखा उन्होंने, सुबह उठी हैं 11 बजे या 1 बजे, दवाई ली, साथ में कुछ और खा लिया, फल ले लिया, किसी प्रकार का कोई और आहार ले लिया जा करके, तो वो सायंकाल इसी तरीके से विधि विधान से उसी तरीके से करेंगी जैसे और औरतें करती हैं, जब वो पहले जिस तरीके से करती आई हैं व्रत को उसे कैसे करेंगी। तो चलिए, ये तो बात हुई विधि विधान की, लेकिन अब बात कर लेते हैं राशियों के अनुसार विधि विधान की। माना जाता है कि हर राशि में दान का एक अलग महत्व है। ऐसे में पंडित जी, राशियों के अनुसार दान कैसा हो, व्रत कैसा हो? आज के दिन हम रजनीश भगवान जी की, चंद्रमा की पूजा करते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि सायंकाल या सुबह या शाम को एक बार सफ़ेद वस्तु जरूर दान करें, चंद्रमा का प्रतीक है, जाकर वो चाहे दूध देते हैं, चांदी दान करते हैं, दही करते हैं। आज का जो दिन है, जब भगवान रजनीश जी की पूजा आराधना अर्चना करते हैं, जैसे कि चंद्रमा की पूजा आराधना अर्चना करते हैं, इसमें विशेष ध्यान ये दे जा करके कि सफ़ेद वस्तु सायंकाल हो सके, जैसे खीर है, दूध है, दही है आदि इत्यादि, उसे दान जरूर करें। एक हमने दिन का जो रखा हुआ जो लोटा है, उसमें अगर जो बाद में तो कुछ दूध वगैरह डाल करके किसी को दान देते हैं, और ख़ास करके उस व्यक्ति को जो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है, आते जाते को देते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा महत्व और बढ़ जाता है। ये शांति का एक प्रतीक है। और मंत्र का उच्चारण जरूर करें, चंद्रमा का मंत्र, बीज मंत्र, ओम श्रांग श्रींग शौंग स चंद्रमसी नमः, इसका पूजा का
ध्यान रखे जाकर। बाकी राशियों के अनुसार कुछ लोग करते हैं कि जो उपाय करना है ऐसे करना है, इस तरीके से करना है। जैसे बेख राशि का स्वामी मंगल है, वृक्ष का शुक्र है, वृक्ष राशि का ही आज चंद्रमा है और बड़ा अच्छा दिन है आज आकर के। रविवार है, कार्तिक महीना है, चतुर्थी तिथि है और रोहिणी नक्षत्र है, भगवान केशव का, नारायण का और अनंत कंद सच्चिदानंद बांके बिहारी लाल जी का भी जन्म आज के दिन ही इसी नक्षत्र में ही हुआ था। तो इसलिए और भी इसका महत्व बढ़ जाता है। जिनकी तुला राशि है या वृक्ष राशि है, दोनों राशियों को स्वामी जो है वो शुक्र है सफ़ेद वस्तु का दान करें। जिनकी मेघ राशि है वो लाल वस्तु का दान करें, या लाल छोटी बच्चियाँ हैं लाल चूड़ियों का करें। मिथुन राशि है तो वो हरी चूड़ियों का दान करें, और सिंह राशि जिसकी आती है वो लाल का चर करें, और कन्या आती है वो फिर हरी का करें, और तुला का हमने बता दिया वृश्चिक का। फिर मेघ और वृक्ष राशि के स्वामी जो हैं वो मंगल हैं, इसलिए लाल वस्तु का, लाल चूड़ियों का, लाल कपड़े का, लाल बिंदी का ध्यान रखें, वो दान दे जा करके। अब आती है धनराशि। धनराशि का जो स्वामी बृहस्पति है और मीन राशि का भी स्वामी बृहस्पति है। पीली चीज़ हो, पीला रिबन हो, पीला कपड़ा हो, वो दान दे जा करके, चाहे वो ब्राह्मण को दें या कहीं घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है उनको दान दें। कुंभ और मकर और कुंभ राशियाँ रहती हैं, इनमें समय में, इस समय वर्तमान समय में बृहस्पति और शनि स्वराशि का होकर के बैठा है शनि उसके जाकर, और यदि किसी प्रकार का दो रंग का कोई चीज़ दान करता है, जैसे हम कहते हैं कोका कोला रंग का कोई दान करता है इस तरीके का, तो वो बहुत भी अच्छा रहेगा, सोने पे सुहागा रहेगा जाकर के। तो चलिए ये है पूरी जानकारी अलग अलग राशि के अनुसार दान करने की। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आप आए और आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुँचाई। बहुत बहुत बधाई आप सबको। तो सुहागिनियों का ये दिन हर महिला के लिए खास है। महिलाएं इस दिन के लिए सजती और सवरती हैं, पूरी तैयारियां करती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि विधि विधान से आपका व्रत सफल हो और तमाम विधि जो पंडित जी ने आपको बताई है उनके अनुसार आप अपना व्रत करें। और एक बड़ी मान्यता ये भी है कि अगर व्रत में आपसे कोई चूक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो ईश्वर का ध्यान कर अगर आप क्षमा मांगते हैं तो आपको ईश्वर जरूर क्षमा करेंगे, घबराइएगा नहीं। इसी के साथ ही हमारे कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।